दोस्तों नमस्कार, द एजुकेटर अड्डा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में न्याय की देवी के बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजिंग हुए हैं से संबंधित सभी बातों पर आप सभी को बहुत ही सटीक भाषा में एक एक बात बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी से बस एक ही गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं तथा इससे संबंधित सभी बातों का आप सभी को ज्ञान व समझ भी हो जाए। तो आइए समझते हैं। सोशल मीडिया पर एक बात की चर्चा बहुत ही ज्यादा हो रही है, वो क्या है आइए वो सब देखते हैं। वो है मूर्ति चेंज। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है, तो ऐसा इस मूर्ति में क्या खास है, यही बात सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है। तो इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी आंखों में जो पट्टी थी वो अब नहीं है और हाथों में तलवार की जगह जो है संविधान लग गया है। ठीक है, तो इस मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी ने लगवाया है और इस मूर्ति में दो अहम बदलाव हुए हैं। वो क्या है? पहला, न्याय की देवी की आंखों में पट्टी नहीं लगी हुई है और दूसरा, हाथों में तलवार की जगह संविधान। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान में नियमों के तहत न्याय होगा। जो संविधान है अब क्या है कि उसमें नियमों के तहत होगा और यह मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में रखवाई गई है। अब यह सवाल आता है कि ऐसा फैसला आखिरकार क्यों लिया गया? तो इस पर चंद्रचूड़ जी का मानना था कि अब हमें अंग्रेजी विरासत से आगे निकलना चाहिए क्योंकि कानून कभी अंधा नहीं होता, वो सभी को समान रूप से देखता है। इसलिए चंद्रचूड़ जी का मानना था कि देवी के एक हाथ में तलवार नहीं बल्कि संविधान होना चाहिए, जिससे समाज में यह संदेश जाए कि वो संविधान के अनुसार न्याय करती है। उनका यह मानना था कि तलवार हिंसा की प्रतीक है, जबकि अदालतें हिंसा नहीं बल्कि संवैधानिक कानूनों के तहत इंसाफ करती है। बात करते हैं दूसरे हाथ में, तो दूसरे हाथ में वही तराजू ही है, वो सही है, जो कि समाज समान रूप से सभी को न्याय करवाती है। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें कि न्याय की देवी वाकई में है क्या, इसका क्या इतिहास है, क्या कहानी है, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। न्याय की देवी का कंसेप्ट रोमन सभ्यता से आया था। जो न्याय की देवी है उसका कंसेप्ट जो है वो रोमन सभ्यता से आया था। इस देवी का नाम जस्टिसिया है और इसी से जस्टिस शब्द भी निकलता है। लेडी ऑफ जस्टिस का यह स्वरूप अपने देश समाज में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से आया था, यानी कि भारत में, और समय के साथ न्याय निष्पक्षता और प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या हुआ कि तराजू और शक्ति का प्रतीक तलवार से जुड़ गया। जबकि अगर ये देखा जाए कि न्याय को अगर आंखों पर पट्टी बांधे हुए दिखाया जाता है, अगर बात किया जाए कि आंखों पर पट्टी की, तो यह निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करती है। जो आंखों की पट्टी है वो निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करती है और इसका मतलब यह है कि न्याय बिना किसी पक्षपात के किया जाना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे उनकी संपत्ति, शक्ति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। आपने कई बार फिल्मों में एवं लोगों से सुना होगा कि कानून अंधा होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये बातें अब भारतीय न्यायालय के संदर्भ में अब कोई कह नहीं सकता। अब देखिए, प्रतिमाओं का जो इस्तेमाल होता है वो विश्व के भर के जो अदालतें हैं, कानूनी कार्यालय है या शैक्षणिक संस्थाओं में ऐसी मूर्ति का प्रयोग किया जाता है। और जो प्रतिमा का इतिहास अभी आपको बताया गया कि प्राचीन ग्रीक और मिस्र के समय से चली आ रही है और प्राचीन जो सभ्यताएं हैं वो देखिए मूर्तियों की तुलना न्याय की रोमन देवी जस्टिसिया से की जाती है और इसी जस्टिसिया से ही जस्टिस शब्द की उत्पत्ति भी मानी जाती है। और जो भारत में मूर्ति की बात करते हैं तो ये 17वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी ले आए थे और 18वीं शताब्दी से इसका इस्तेमाल होने लगा। इसी के साथ कुछ और भी चेंजिंग हुई है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहले क्या था कि जो मूर्ति थी वो धातु या पत्थर की बनी थी, ठीक, और इसका जो रंग था वो कुछ ऐसे था, और अब जो है इसका जो रंग है वो सफेद रंग की रहेगी, ठीक है। और बात करते हैं वेशभूषा की, तो इस बार क्या है कि जो चेंजिंग आई है, पहले पश्चिमी परिधान थे, विदेशी कपड़े जैसे पहनते थे और इस समय भारतीय शास्त्रीय नृत्य में जो कपड़े पहने जाते हैं उसका प्रयोग किया गया है। आंखों पे पट्टी की बात की जाए तो जो आंखों पे पट्टी थी वो कानून निष्पक्ष है ये बताता था,
लेकिन अब भारतीय परिवेश में देखा जाए तो पट्टी जो है हटा ली गई है, और न्यायालय का ये मानना या कहें सीजीआई का ये मानना है कि न्याय सभी के लिए समान होता है, चाहे वो अमीर है गरीब हो, चाहे उसकी संपत्ति शक्ति सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन वो सबके लिए क्या होता है, समान होता है। दाएं हाथ में देखिए, दाएं हाथ में पहले भी तराजू था और अभी भी तराजू है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। बात करते हैं बाएं हाथ की, तो बाएं हाथ में पहले क्या था कि पहले तलवार था, पहले तलवार था, और वर्तमान में बाएं हाथ में जो है संविधान रखा गया है, ठीक है, तो संविधान के प्रति है। तो हमें उम्मीद है इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स, जो भी आपको जानकारी चाहिए थी वो सब कुछ मिल गई होगी। तो आपका इस बदलाव के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। इसी के साथ अब लेते हैं आप सभी से विदा। जय हिंद।